हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्लस। जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा जुडिशरी की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है एंड इसका एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है। और बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि इसका एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट कराया जा सके, इफ़ कोविड की सिचुएशन बेटर रहती है तो हमें अगस्त एंड तक हमारी प्रिपरेशन पूरी कर लेनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ा हर्डल आता है हरियाणा जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, वो है लोकल लॉज। इसमें लोगों को बहुत ही परेशानी होती है इस एक्ट को समझने के लिए, क्योंकि जो जनरल मेजर एक्ट है, ये तो मेजरली हमने लॉ स्कूल में भी पढ़ रखा है और सबके माइंड में ये क्लियर होता है। बट जो लोकल लॉज होते हैं, जो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, इनमें ही हमें प्रॉब्लम होती है और ये ही हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो माइनर सब्जेक्ट है, जो लोकल एक्ट्स हैं, हम उसको छोड़ के चले जाए, अदरवाइज़ हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए कितनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और एग्जाम के थ्रू ही मैक्सिमम बच्चे जो हैं कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हमें अपना कमांड बनाना होगा लोकल एक्ट्स और माइनर एक्ट्स पे, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और कट ऑफ से काफ़ी ऊपर रहे, ताकि हम जिस दिन हमने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया उसी दिन से अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग सकें। तो इसी पर्पज़ के लिए हमने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है, जो कि हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973। तो इस सीरीज़ में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे सेक्शंस को और अच्छे से समझेंगे कि ये एक्ट हमें बता क्या रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्ट बनाया क्यों गया था। तो 1973 से पहले हरियाणा में जो है अर्बन एरिया में मेजरली कोई कंट्रोल नहीं था रेंट पे। जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी मर्जी से रेंट इंक्रीज़ कर रहे थे, जो कि टेनेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गई थी और वो उनको बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए ये हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 को लाया गया, जिसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं रेंट को, कि इससे ज़्यादा जो है एक लैंडलॉर्ड इस अर्बन एरिया में अपना रेंट इंक्रीज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव ये था हमारे पास। तो अब हम देखते हैं ये एक्ट में कितने सेक्शंस हैं। तो ये एक्ट एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक्ट है, जिसमें ओनली 24 सेक्शंस हैं और ये पूरे एक ही पार्ट में दे रखा है। ठीक है, ओनली 24 सेक्शन इज देयर, तो बहुत ही इजी एक्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हर सेक्शन में हमें क्या बता रहा है। ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हर सेक्शन में क्या बोल रहा है, और ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है इस एक्ट को, कि इसके बाद यही आने वाला है। एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन भी ये समझ सकता है कि हाँ, इस चीज़ के बाद यही आने वाला है। इसलिए तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज देखने वाले हैं कि क्या बोल रहा है, उसके बाद हम एक्ट में जाएंगे और एक एक प्रोविज़न को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सेक्शन वन हमें बता रहा है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में। तो जो मेजरली सारे एक्ट में सेक्शन वन में यही दे रखा होता है कि कहाँ तक इसका एक्सटेंट है, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, ये सारे सेक्शन वन में दे रखे हैं। देन सेकंड इज डेफिनेशन क्लॉज, ये भी मेजरली हर एक्ट में सेक्शन टू जो है डेफिनेशन क्लॉज के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, फिर थर्ड सेक्शन जो है एग्जेम्पशंस के बारे में बता रहा है, अब किसको किसको इसके जो हरियाणा कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट में कुछ एग्जेम्पशन दिए हुए हैं, तो किनको किनको ये एग्जेम्पशन मिला है और किस चीज़ के लिए एग्जेम्पशन मिला है, तो ये सब सेक्शन थ्री में दे रखा है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट। अब जो हम रेंट लेंगे, जो लैंडलॉर्ड रेंट लेगा टेनेंट से, उसका फेयर रेंट जो है हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, वो सेक्शन फोर में दे रखा है। फिर आता है हमारा रिवीजन फेयर रेंट इन सर्टन केसेस। अब कुछ केसेस होते हैं जैसे कि लैंडलॉर्ड ने कुछ रिपेयर करवा दिए, या टेनेंट के रिक्वेस्ट पे रिपेयर कराया, या तो कुछ भी रीजनेबल खर्च किया है, या तो ईयरली बेसिस पे कुछ रेंट इंक्रीज होता है, तो कुछ सर्टन केसेस में फेयर रेंट इंक्रीज किया जा सकता है, रिवाइज किया जा सकता है, वो सेक्शन फाइव में दे रखा है। फिर हम आते हैं सेक्शन सिक्स में, जो बताता है कि लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट। अब जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि जो है ये एक्ट इसीलिए आया है कि लैंडलॉर्ड जो है एक्सेसिव रेंट नहीं ले सकते हैं टेनेंट से, इसलिए सेक्शन सिक्स भी यही बता रहा है कि एक्सेस ऑफ फेयर रेंट नहीं लेंगे। फेयर रेंट हम इसीलिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा हमें लेना नहीं है। फिर आता है हमारा 6A, जो कि बता रहा है डिपॉजिट ऑफ रेंट के बारे में, डिपॉजिट कैसे करेंगे रेंट, टेनेंट कैसे करेगा डिपॉजिट। फिर आता है सेक्शन सेवन, जो बताता है रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, रेंट एक्सेस में दे दिया, जैसे टेनेंट ने गलती से दे दिया, तो उसको भी रिकवर हम कर सकते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, ये सेक्शन सेवन में दे रखा है। फिर सेक्शन एट में है इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स ETC ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं रेंट को ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी की रेट्स देने के लिए जो होता है, कुछ इंक्रीज कर सकते हैं रेंट।
फिर 9 में दे रखा है लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज़, अगर सर्टेन कुछ एमिनिटीज़ दे रहे हैं लैंडलॉर्ड तो उसके लिए भी प्रोविज़न दे रखा है सेक्शन 9 के अंदर। फिर है 10 बताता है लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफेयर विथ एमिनिटीज़। अब ये बता रहा है कि लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफेयर विथ एमिनिटीज़, मतलब लैंडलॉर्ड एमिनिटीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर तुमने प्रोवाइड किया टेनेंट के लिए तो फिर बाद में तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। अब देख रहे हो कैसे लाइन वाइज बनाया गया है सेक्शन, है ना, रेंट डिटरमाइन करेंगे, फिर इन रिवाइज कर सकते हैं, फिर लैंडलॉर्ड एक्सेस नहीं क्लेम करेगा, फिर डिपॉजिट कैसे होगा रेंट, फिर रेंट कैसे रिकवर कर सकते हैं, लोकल अथॉरिटी के कुछ चार्जेस है वो 8 में है, फिर सर्टेन एमिनिटीज़ के बारे में, फिर लैंडलॉर्ड इंटरफेयर नहीं करेगा। तो लाइन वाइज है, इसीलिए मैं आपको सेक्शन बता रही हूँ लाइन वाइज कि आपको समझ में आए कि इसके बाद यही आने वाला है। तो हमको अगर इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है कि सेक्शन पूछ लिया जाएगा तो हमें ये बहुत हेल्पफुल करेगा याद करने के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं 11 में, जो कि बता रहा है कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो बाद में अगर हम उसको नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो कैसे हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 12, जो बताता है फेल्योर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर्स। अगर लैंडलॉर्ड ने कोई नेसेसरी रिपेयर नहीं किया तो फिर उसके लिए भी प्रोविज़न दिया है 12 में, तो टेनेंट करा सकता है, फिर कॉस्ट उसके रेंट से कट कर सकता है, तो ये सारे प्रोविज़न 12 में। फिर है 13 में एविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में, टेनेंट को किन केसेस में एविक्ट किया जा सकता है। फिर 13 ए जो है वो बता रहा है स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केस। स्पेशल प्रोसीजर क्या होगा, डिस्पोजल एप्लीकेशन कैसे डिस्पोज करेंगे सर्टेन केसेस में, वो 13 ए हमें बता रहा है। अब 14 हमें ये बता रहा है कि डिसीजन विच हैव फाइनल नॉट टू बी रीओपन। अब एक बार डिसीजन फाइनल हो गया तो फिर हम उसको रीओपन नहीं कर सकते, बार बार हम एक ही चीज़ घुमा घुमा के नहीं करेंगे, ठीक है, एक बार फाइनल हो गया तो दैट इज़ फाइनल। फिर 15 बता रहा है, अब कोई अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए, जैसे कि हमने एक्ट बना दिया, अब इसकी कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो होगी, कोई रिविजनल अथॉरिटी, तो इसको अपीलेट अथॉरिटी भी दी है, रिविजनल अथॉरिटी भी दी होगी या 15 में। फिर 16 में बता रहा है पावर टू समन और इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस, विटनेस के अटेंडेंस को बुला सकते हैं 16 में, विटनेस को बुला सकते हैं। फिर कॉस्ट बता रहा है 17 में। सीपीसी में हमने ये सारे प्रोविज़न देख रखे हैं, बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत ही इजी एक्ट है, अगर आपने सीपीसी पढ़ रखा है तो बस आप मेरी लेक्चर सुनते जाओ, आपको बहुत ही इजी लगेगा, कुछ भी टफ नहीं है, ये बस माइंड में हमारे होता है कि नहीं अभी लोकल एक्ट है, हमने कभी पढ़ा नहीं है तो ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस सुनो, और अगर आपने सीपीसी पढ़ रखा है तो बहुत ही आसान है, और नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आप सुनो, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर 18 में आता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर, हमने पढ़ा है ना सीपीसी ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन सेम। 19 इंस्टीट्यूशन डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। फिर 20 बता रहा है पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स, अब प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर के बारे में बता, सब हमने सीपीसी में पढ़ रखा है, आप बस रिकलेक्ट करो, उधर का भी रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। फिर आता है 20A ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग एंड फाइलिंग ऑफ अपील्स एंड रिवीजन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। अब 21 क्या बता रहा है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू फर्निस पर्टिकुलर, अब पर्टिकुलर फर्निस के बारे में 21 में दे रखा है, कुछ पेनल्टीज है जो 22 में दे रखा है, अब किसके पास रूल मेकिंग पावर है इस एक्ट के अंदर, ये 23 में है, 24 लास्ट सेक्शन विच इज़ रिपील एंड सेविंग। तो मैंने जैसे बताया बहुत ही ईजी प्रोविज़न है, अब हम चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं प्रोविजन्स के अंदर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था एक्ट का, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल द इंक्रीज ऑफ रेंट ऑफ सर्टेन बिल्डिंग एंड रेंटेड लैंड सिचुएटेड विद इन द लिमिट ऑफ अर्बन एरिया एंड द एविक्शन ऑफ टेनेंट देयर फ्रॉम, ठीक है। तो वही बता रहा है कि रेंट कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल करेंगे रेंट को, इससे ज़्यादा लिमिट में इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बट अर्बन एरिया के बारे में दिया है, रूरल एरिया के बारे में नहीं दिया है इस एक्ट में, याद रखिएगा। सेकेंड थिंग इज एविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में भी बात कर रहा है ये एक्ट, ठीक है। तो चलिए सेक्शन 1 की तरफ, जो कि है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, ये क्या बोल रहा है, जैसे कि सारे एक्ट हमें बताते हैं, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973। ये तो बहुत ही ईजी है, कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब सेक्शन 1 का क्लॉज 2 हमें क्या बताता है, इट एक्सटेंड टू ऑल अर्बन एरिया इन हरियाणा बट नथिंग हियर इन कंटेंशन अप्लाई टू कंटोनमेंट एरिया, ठीक है। ये हरियाणा के सारे अर्बन एरिया पे अप्लीकेबल होगा लेकिन कंटोनमेंट एरिया पे नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा, कंटोनमेंट एरिया पे नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। नथिंग दिया हुआ है ना, बट नथिंग हियर इन सेल अप्लाई टू एनी कंटोनमेंट एरिया, तो आ सकता है आपको एमसीक्यू में कि किस एरिया पे नहीं होगा, तो कंटोनमेंट एरिया याद रखिएगा, वहाँ आप टिक लगा दीजिएगा। फिर क्लॉज 3 में क्या बोल रहा है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन, ठीक है। तो 10 ईयर ये एक्ट जो है, ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा, उस बिल्डिंग पे जिसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कब हुआ है, ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट,
इस एक्ट के कमेंसमेंट पे या उसके बाद हुआ है तो उसको 10 साल की एग्जेम्पशन मिलती है इस एक्ट से, 10 साल तक ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ठीक है, इसमें 10 साल याद रखिएगा, 10 ईयर्स भूलिएगा मत, 10 ईयर्स, ठीक है। और चलिए अब आते हैं हम अपने सेक्शन 2 पे, जो कि डेफिनेशन क्लॉज बता, डेफिनेशन सेक्शन के बारे में बता रहा है। तो 2 क्लॉज ए हमें बता रहा है बिल्डिंग का डेफिनेशन। तो बिल्डिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेट फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए लेट आउट किया गया है, वेदर बींग एक्चुअली यूज फॉर दैट पर्पस और नॉट, किसी भी पर्पस के लिए किया हो लेट आउट, लेकिन वो उस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा हो या ना यूज़ किया जा रहा हो, जिसमें कि इंक्लूड होता है कोई भी लैंड, गोडाउन, आउटहाउस, गार्डन, लॉन, वेल, टैंक्स, अपर्टेनेंट टू सच बिल्डिंग। अपर्टेनेंट मतलब समझते हैं, अपर्टेनेंट मतलब उस बिल्डिंग से जो अटैच्ड हो, ठीक है, वो पार्ट भी बिल्डिंग के अंदर कवर होगा। और फर्नीचर लेट देयर विथ और एनी फिटिंग्स अफिक्स टू मशीनरी इंस्टॉल्ड इन सच बिल्डिंग बट डज नॉट इंक्लूड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं करता है। इसमें इंक्लूड नहीं करता है अ रूम इन अ होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी जो कि बता रहा है बिल्डिंग में, बिल्डिंग जो है वो किसी भी बिल्डिंग हो सकता है या उसका कोई पार्ट हो सकता है जो कि लेट आउट किया गया हो किसी भी पर्पज़ के लिए, उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा हो या नहीं यूज़ किया जा रहा हो, उसमें क्या क्या आएगा, लैंड आएगा, गोडाउन आएगा, आउट हाउस आएगा, गार्डन, लॉन, वेल, टैंक, अपर्टेनेंट टू सच बिल्डिंग और फर्नीचर जो भी लेट आउट किया गया है उसके साथ, और कोई भी फिटिंग्स या जो अफिक्स किया गया है, जो कोई मशीनरी इंस्टॉल किया गया उस बिल्डिंग में, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस। तो ये MCQ में बहुत ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या इंक्लूड होगा। तो ये सारी पॉइंट्स जो है लैंड, गोडाउन, आउट हाउस, गार्डन, ये सब याद रखिएगा, क्या नहीं हो रहा है, होटल, हॉस्टल, बोर्डिंग हाउस, ये याद रखिएगा। आई थिंक अभी ही आपको याद हो गया होगा, लेकिन फिर आप 2-3 बार रिवाइज तो ज़रूरी है एग्ज़ाम देने से पहले, D-Day से पहले, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड डेफिनेशन के ऊपर, जो कि बता रहा है कंट्रोलर के बारे में। अब कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर मीन्स एनी पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कंट्रोलर अंडर द एक्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी पर्सन जो कि, इसमें ज़रूरी एक चीज़ है कि इसको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है परफॉर्म करने के लिए फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है किसी भी पर्सन को, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन अपॉइंट, कौन सी अथॉरिटी अपॉइंट करती है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड डेफिनेशन है लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन फॉर द टाइम बिंग एंटाइटल टू रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन एज अ ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एनी अदर पर्सन एंड इंक्लूड अ टेनेंट हु सबलेट एनी बिल्डिंग और rented land in the manner herein after provided and every person from time to time deriving title under a landlord, ठीक है। तो landlord मतलब क्या होता है, कोई भी person, ठीक है, जो rent receive करेगा, जिसके पास right है rent receive करने का, वही होगा ना landlord। तो simple सी बात है, in respect of any building or rented land, मतलब किस building के लिए आप rent ले रहे हो या किस rented land के लिए आप rent ले रहे हो, उसके लिए आप landlord होगा। अब ये क्या, अपने अकाउंट में, मतलब अपने लिए ले रहा है या आपके बिहाफ में, जैसे कि आपने एजेंट अपॉइंट कर दिया रेंट कलेक्ट करने के लिए, तो आपके बिहाफ में कोई और पर्सन भी ले सकता है, ठीक है। वो पर्सन जो आपके बिहाफ में ले रहा है वो क्या हो सकता है, ट्रस्टी भी हो सकता है, गार्जियन भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, एग्जीक्यूटर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है ना। अब इसमें इंक्लूड क्या करता है, अ टेनेंट हु सबलेट्स एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वो पर्सन भी आएगा जो कि ऑलरेडी आपका टेनेंट है लेकिन उसने सबलेट किया है। सबलेट मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी टेनेंट है बट उसने अपने अंडर भी टेनेंसी पे लगा दिया बिल्डिंग, ठीक है, लेकिन वो जो टेनेंसी पे लगाया है ना, उसने परमिशन ली थी लैंडलॉर्ड से, परमिशन ली है तभी ये लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन के अंदर वो आएगा वो पर्सन, अगर उसने नहीं लिया परमिशन तो नहीं आएगा। टाइम टू टाइम डिराइविंग द टाइटल अंडर लैंडलॉर्ड, मतलब आपको लैंडलॉर्ड को नॉलेज होनी चाहिए कि आप सबलेट कर रहे हो प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आते हैं 2D पे। अच्छा हाँ, ये भी बहुत याद रखिएगा कि ABCD में क्या था, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछ लेगा कि 2A में क्या था, तो हमें याद रखना होगा कि 2A में बिल्डिंग था, ठीक है। 2D में क्या है, तो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में 2D में दे रखा है। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग किसको बोलते हैं, मीन्स अ बिल्डिंग
बींग यूज मेनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और ट्रेड. अब नॉन रेजिडेंशियल क्या होगा, ये तो कॉमन सेंस है ना हमारी, नॉन रेजिडेंशियल क्या होगा, जो बिजनेस और ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं ना. अब दूसरे पार्ट जो है ये थोड़ा ट्रिकी है, पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और ट्रेड और पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंट. अब पार्टली हम बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं और पार्टली रेसिडेंस के लिए कर रहे हैं. सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस इन द बिजनेस रिसाइड देयर. मतलब दो चीज़ें इसमें आ रही है. सबसे पहली चीज़, कोई भी बिजनेस या ट्रेड के पर्पज से हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्डिंग, तो वो नॉन रेजिडेंशियल पर्पज है, ये सिंपल है. अब दूसरा जो ट्रिकी पार्ट है, ये हम पार्टली यूज़ कर रहे हैं बिजनेस और ट्रेड के लिए और पार्टली इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, पार्टली हम रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं. लेकिन रेसिडेंस भी किस पर्सन का होगा, जो बिजनेस कर रहा है उसी पर्सन. अगर कोई दूसरा पर्सन अगर उसमें रिसाइड कर रहा है और पार्टली में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर ये नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं होगा. वही पर्सन रहना चाहिए पार्टली में, वही पर्सन बिजनेस के लिए भी यूज़ करना चाहिए. तो अब इसका प्रोवाइजो क्लॉज भी दिया है, प्रोवाइडेड दैट इफ अ बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल पर्पज सेपरेटली टू मोर देन वन पर्सन, द पोर्शन देयर ऑफ लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंशियल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कोई बिल्डिंग है जिसको लेट आउट किया हमने रेसिडेंशियल पर्पज के लिए भी और नॉन रेसिडेंशियल पर्पज के लिए भी सेपरेटली, सेपरेट है, सेपरेट कर सकते हैं दोनों पार्ट को, एक रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल को सेपरेट कर सकते हैं. और वो किसको किसको दिया गया है, एक या एक से ज़्यादा पर्सन को दिया गया है. तो क्या है, वो जो रेसिडेंश पार्ट का है, रेसिडेंशियल पार्ट है, उसको हम नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ट्रीट नहीं करेंगे. दो तीन चीज़ इसकी प्री रिक्विजिट है, क्या है, सबसे पहले सेपरेट कर सकते हैं रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल पर्पज़ के पार्ट को. दूसरा, वन या मोर पर्सन को दिया गया है, तो जो रेसिडेंशियल पर्पज़ के दिया गया है उसको हम नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं मान सकते, नहीं कंसिडर करेंगे. अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी अटैच्ड है, इसमें ये बता रहा है, वेयर अ बिल्डिंग is used mainly for the purpose of business or trade, it shall be deemed to be a non-residential building, even though a small portion thereof is used for the purpose of residence. ठीक है, अगर कोई building है जो mainly किस purpose के लिए use हो रहा है, business और trade के लिए use हो रहा है, ठीक है, तो उसको माना जाएगा, deemed किया जाएगा कि वो एक non-residential building है, even though जो small portion है वो use किया जा रहा है residential purpose के लिए, तो भी पूरा consider हो जाएगा non-residential building के तौर पे. ठीक है, फिर हम आते हैं अपने क्लॉज ई पे, जो कि बता रहा है प्रिस्क्राइब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा आपको. तो चलिए हम आते हैं एफ. एफ बता रहा है हमें रेंटेड लैंड के बारे में. ये क्या बताता है, मींस एनी लैंड लेट सेपरेटली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज प्रिंसिपली फॉर द बिजनेस और ट्रेड. तो वैसा रेंटेड लैंड होता है जो कि कोई भी लैंड होता है जो सेपरेटली लेट किया गया है ऑफ प्रिंसिपली फॉर बिजनेस और ट्रेड, मतलब मेनली जो बिजनेस और ट्रेड के पर्पज़ पर रेंट किया गया है सेपरेटली, तो वो रेंटेड लैंड के अंदर आता है. फिर हमारा आता है क्लॉज जी. क्लॉज जी बता रहा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में. ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है, मीन्स एनी बिल्डिंग विच इज़ नॉट अ नॉन रेसिडेंशियल. सिंपल, बहुत ही सिंपल, इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ है, ये तो ये नहीं पूछेगा कि रेसिडेंशियल क्या होता है क्योंकि ये जस्ट अ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है. तो इसकी क्लॉज जी याद रखिएगा, टू जी में बता रहा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में, बता रहा है क्लॉज जी में. ठीक है, अब यहाँ फिर से आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में 2D में दे रखा था और जी में बता रहा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में. ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्लॉज एच पे, जो कि बता रहा है टेनेंट के बारे में. अब टेनेंट क्या होता है, टेनेंट मीन्स एनी पर्सन बाय हुम और हुम और ऑन हूज अकाउंट रेंट इज पेबल फॉर द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड एंड इंक्लूड अ टेनेंट कंटिन्यूइंग इन पोजिशन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी and in the event of such person's death, such of his heirs as are mentioned in schedule appended to this act and who were ordinarily residing with him at the time of his death but does not include person placed in occupation of a building or rented land by its tenant except with the written consent of the landlord or the person to whom collection of rent or fees in a public market, carts, tent or slaughterhouse or of rent for shop has been framed out or leased by municipal town or notified area or committee. ये आपको देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, बट इट्स अ सिंपल डेफिनेशन. ये क्या बता रहा है, टेनेंट मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन. ठीक है, कोई भी पर्सन जिसके अकाउंट, जो रेंट पे करेगा, सिंपल, जो रेंट पे करेगा किसी भी बिल्डिंग के लिए या रेंटेड लैंड के लिए. सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया. जिसमें इंक्लूड क्या होता है, कोई टेनेंट जो कंटिन्यूइंग इन पोजीशन है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी. मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे अग्रीमेंट खत्म हो गया लेकिन टेनेंसी कंटिन्यू होती है, जो कि इम्प्लाइड टेनेंसी कंसिडर की जाती है. तो ये वो टेनेंट भी इसमें कंसिडर होंगे. एंड इन इवेंट ऑफ सच पर्सन्स डेथ, अगर वो पर्सन मर गया, आपका टेनेंट मर गया, तो फिर क्या आपकी टेनेंसी खत्म हो जाएगी? नहीं, उसका जो हेयर्स होगा, उसकी बीवी बच्चे अगर वहाँ रह रहे हैं माँ बाप,
तो वो उसके हेयर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपको रेंट पे करने के लिए। और वो कैसे पे करेंगे, जो कि शेड्यूल में मेंशन है इस एक्ट के, और हु वे ऑर्डनरी रिसाइडिंग विथ हिम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और वैसा पर्सन भी हेयर्स में आएगा जो कि ऑर्डनरी रिसाइड कर रहा है, मतलब अगर वो हेयर नहीं है लेकिन ऑर्डनरी रिसाइड कर रहा है उस टाइम में जब उसकी डेथ हुई थी, तो वो पर्सन भी आपको रेंट दे सकता है। बट डज नॉट इंक्लूड, ये भी याद रखिएगा कि डज नॉट इंक्लूड में क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना की पॉइंट्स होती हैं कि क्या आ रहा है इसमें, क्या इंक्लूड कर रहा है, क्या एक्सक्लूड कर रहा है, ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन बनता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में बहुत सारे। तो अ पर्सन प्लेस इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड फॉर इट्स टेनेंट एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड और अ पर्सन टू हुम द कलेक्शन ऑफ रेंट फी इन अ पब्लिक मार्केट कार्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ठीक है, सिंपली हम समझते हैं कि इसमें कौन से पर्सन एक्सक्लूड होंगे, वैसे पर्सन जिसको कि टेनेंट ने ही रेंट दिया है, सबलेट कर दिया है टेनेंट ने, लेकिन वो परमिशन नहीं लिया था उसने लैंडलॉर्ड का, रिटन कंसेंट नहीं लिया था लैंडलॉर्ड का, उसने सबलेट कर दिया, तो वो पर्सन उसमें इंक्लूड नहीं होगा। और द पर्सन टू हुम द कलेक्शन ऑफ रेंट और फीस इन पब्लिक मार्केट और कार्ड, और वैसे पर्सन जिसका कलेक्शन ऑफ रेंट और फी जो है पब्लिक मार्केट में हो रहा है या कार्ड स्टैंड में या स्लाउटर हाउस या रेंट, और ये सब जो कीवर्ड है याद रखिएगा, कौन कौन सा, जिसका रेंट कलेक्ट हो रहा है या फीस कलेक्ट हो रहा है पब्लिक मार्केट में, कार्ड स्टैंड, स्लाउटर हाउस और ऑफ रेंट ऑफ स्पॉट शॉप हैज़ बीन फ्रेम्ड आउट और लीज बाय म्यूनिसिपल टाउन और नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे, रिटन कंसेंट नहीं लिया है, फीस कलेक्ट हो रहा है, फीस रेंट, कलेक्शन ऑफ रेंट और फीस इन पब्लिक मार्केट, कार स्टैंड और स्लाउटर हाउस ऑफ रेंट और ऑफ रेंट ऑफ फॉर शॉप हैज़ बीन फ्रेम्ड आउट लीज बाय म्यूनिसिपल टाउन नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब चलिए क्लॉज टू का लास्ट सबसेक्शन जो कि अर्बन एरिया के बारे में बता रहा है, जो कि बताता है कोई भी एरिया जो एडमिनिस्टर्ड बाय अ म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी एडमिनिस्टर्ड किया गया है, म्यूनिसिपल कमेटी ने एडमिनिस्टर्ड किया है उस एरिया को, या नोटिफाइड एरिया कमेटी ने किया है, या फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, और एनी एरिया डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बाय नोटिफिकेशन इन अर्बन एरिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो वैसे एरिया को बोलते हैं अर्बन एरिया जो म्यूनिसिपल कमेटी ने नोटिफाई किया है, या फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, या स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, या नोटिफाइड एरिया कमेटी ने किया है, ये सारी चीज़ें जो है अर्बन एरिया पे या अर्बन एरिया के लाएंगे। अब अर्बन एरिया का डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो एक्ट है ये अर्बन एरिया पे ही अप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें कितने सारे डेफिनेशंस देखें, इसमें हमने डेफिनेशन देखे टू ए टू आई। ठीक है, अब आज का हम लास्ट सेक्शन लेंगे जो कि सेक्शन 3 के बारे में बता रहा है, जो एग्जेम्पशंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो चलिए 3 बता रहा है हमें, द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्टिकुलर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड और एनी क्लास ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो डायरेक्ट कर सकती है दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सारे प्रोविजन या कुछ प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होंगे किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड के लिए और किसी क्लास ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड के लिए। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दे रखी है, ये भी याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है, वो एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी भी इस एक्ट के सारे प्रोविज़न भी एग्जेम्प्ट कर सकता है या कुछ प्रोविज़न एग्जेम्प्ट कर सकता है। किन के लिए एग्जेम्प्ट करेगा, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए करेगा या रेंटेड लैंड के लिए करेगा या क्लास ऑफ बिल्डिंग के लिए करेगा या क्लास ऑफ रेंटेड लैंड के लिए करेगा। क्या क्या एग्जेम्प्ट करेगा, या तो पूरा ही एक्ट एग्जेम्प्ट कर देगा या उसके कुछ पोर्शंस जो हैं वो एग्जेम्प्ट कर देंगे किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग या रेंटेड लैंड के लिए। तो समझ में आया, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, एग्जेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया आपको पूरे ही सेक्शन 1, 2, 3, और बिल्कुल भी पहले हमने इंडेक्स डिस्कस किया ताकि हमको क्रोनोलॉजी समझ में आए इस एक्ट की। और बहुत ही प्यारा एक्ट है, बहुत ही सिंपल एक्ट है, तो बस आप मेरे साथ चलिए और सीपीसी को माइंड में रख के चलिएगा, ये एक्ट हम दोनों मिलके बहुत ही ईजी बनाएंगे और फुल स्कोर करेंगे, एक भी मार्क्स हमें मिस नहीं करना इस एक्ट में। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आज का सेशन साइन ऑफ करती हूँ। सो दिस इज़ ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टू दिस सेशन, थैंक यू।